देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार की ओर से देहरादून नगर निगम इलाके को शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। इस बारे में देहरादून के डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इन दो दिनों में शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। इन दो दिनों में जरूरी सेवाओं की दुकानें और अस्पतालों की ओपीडी खुली रहेगी। वहीं शहर को बंद करने के लिए आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। बृहद लेवल पे नगर निगम जो है वो सैनिटाइजेशन का अभियान चलाएगा, जिससे कि जितनी भी एरिया हैं, कंजस्टेड एरिया हैं, दुकान हैं, ऑफिसेज हैं या पब्लिक स्पेसेस हैं, उन पर हम इसको सैनिटाइज करने का काम करेंगे, जिससे कि जब मंडे को हम एक जितना भी इस तरीके के कंटामिनेटिंग एरिया हैं उनको हम प्रॉपर सैनिटाइज कर पाएँ। जो अस्पताल के ओपीडी हैं वो खुल सकते हैं, वो इमरजेंसी सेवा के अंदर आते हैं, इसलिए क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो वो सारे के सारे ओपन हो सकते हैं।